चंदेरिया थाने से महज 50 फीट की दूरी पर स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर को अज्ञात चोरों ने बनाया निशाना। सुरक्षा गार्ड पर हमला कर उतारा मौत के घाट। लुटेरे राम लक्ष्मण जानकी के मुकुट चुरा कर हुए फरार। 75 घंटे के बाद भी पुलिस के हाथ खाली। पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन पहुंची संकट मोचन हनुमान मंदिर दरबार। घटना स्थल का लिया जायजा। सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद बदमाशों की धरपकड़ के लिए 8 टीमें गठित। चित्तौड़गढ़ जिले के चंदेरिया थाने के सामने संकट मोचन हनुमान मंदिर से चांदी के मुकुट चोरी। एसपी ने किया निरीक्षण। चोरों का आतंक इतना बढ़ चुका है कि अब वो मंदिरों और साधु संतों को भी निशाना बनाने लगे हैं। लेकिन जब चोरी और मारपीट का मामला पुलिस की आंख के नीचे ही हो जाए तो पुलिस गश्त, सुरक्षा और अपराधियों में डर के नाम पर चौकन्नी कहे जाने वाली पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल या निशान खड़े करती है। बता दें कि बीते दिनों चंदेरिया थाने से महज कुछ ही दूरी पर स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर से राम लक्ष्मण जानकी के चांदी के मुकुट चोरी होने का मामला सामने आया। वही अज्ञात चोरों ने सिक्योरिटी गार्ड को लट से मारकर घायल कर दिया था। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई थी। घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बता दें कि चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया थाने से महज 50 फीट की दूरी पर संकट मोचन हनुमान मंदिर है, जहां रिलायंस कंपनी का एक सिक्योरिटी गार्ड नरेंद्र मेनारिया चौकीदारी करता था। 3 फरवरी गुरुवार आधी रात को 2 चोर मंदिर में घुसे। राम लक्ष्मण सीता की मूर्तियों से चांदी के 3 मुकुट चोरी कर बाहर आ गए। भगवान के मुकुट आभूषण करीब 1.5 किलो वजनी बताए गए हैं। वहीं मंदिर में सो रहा गार्ड जागा तो उसके पास में खड़ा लाठी से मारकर उसे घायल किया। जब सुबह मंदिर का पुजारी ओम प्रकाश मंदिर में आया तो गार्ड को लहूलुहान हाल में देखकर चिल्लाने लगा। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां घायल गार्ड को जिला अस्पताल लेकर जाया गया और उदयपुर उसे रेफर किया गया। उपचार के दौरान गार्ड की मौत हो गई। गार्ड नौकरी के साथ साथ पुलिस कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा था। वही मामले की जांच को लेकर आज जिला पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मौका मुआयना कर 8 टीमें गठित की। पुलिस टीम सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी आधार पर चोरों को पकड़ने के प्रयास कर रही है। नवभारत समाचार चित्तौड़गढ़ राजस्थान से दुर्गेश कुमार लक्षकार की रिपोर्ट। आज हम खड़े हैं चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया रिको स्थित हनुमान संकट मोचन हनुमान मंदिर पे, जहां पे बीते 2 दिवस पहले एक चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। यह हनुमान मंदिर के बिल्कुल पास ही एक थाना स्थित है। थाने से महज कुछ ही दूरी पर यहां पे चोरी की वारदात हुई है। यहां संकट मोचन जो बालाजी है, यहां पे 1.5 किलो चांदी के आभूषण जो है उनके मुकुट चोरी हुए हैं। राम लक्ष्मण और सीता जी के सिर के ऊपर जो मुकुट लगता है वो मुकुट चोरी हो चुका है। यहाँ पर तैनात एक गार्ड के ऊपर चोरों ने हमला कर दिया था, जिससे जो गार्ड है वो घायल हो गया था। बताया जा रहा है कि रिलायंस कंपनी के द्वारा वो गार्ड यहाँ लगाया गया था और वो घायल अवस्था में जब सुबह 4:30 बजे मंदिर के पुजारी यहाँ पहुँचे मंदिर पर, तो उन्होंने देखा कि गार्ड लहूलुहान हालत में यहाँ पर पड़ा हुआ है, जिसे लेकर थाने को सूचना दी गई। थाने से कैलाश चंद्र जी थानेदार पहुँचे और वहां गार्ड को लेकर सांवलिया चिकित्सालय पहुंचे, जहां पर गंभीर अवस्था होने पर गार्ड को नरेंद्र मेनारिया गार्ड का नाम बताया जा रहा है, जो निकुम का रहने वाला है, जिसे गंभीर अवस्था होने पर उदयपुर रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि उसकी मौत हो गई है। इस पर इसी को लेकर एसपी ने एक टीम गठित करी है और एसपी प्रीति जैन ने आज यहाँ पे जायजा लिया, मौका मुआयना किया है और आगे की जाँच जारी है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि यहाँ पे जो लगातार चोरियां हो रही है, पहले भी 2 से 3 बार चोरी हो चुकी है इसी प्रकार से, तो अब आगे पुलिस क्या कार्रवाई करती है। लेकिन सवालिया निशान पुलिस पे ये खड़ा होता कि महज थाने के कुछ ही दूरी पर थोड़े दिन पहले थाने के अंदर से डोरा चूरा गायब हुआ था और महज थाने के कुछ ही दूरी पर हनुमान मंदिर संकट मोचन हनुमान मंदिर है और यहाँ से चोरी होना, इतनी बड़ी चोरी होना और एक गार्ड को घायल करना और जिससे उसकी मौत हो जाना, बहुत काफी सवालिया निशान खड़ी करती है। कहीं ना कहीं गश्त और पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा होता है। नवभारत समाचार चित्तौड़गढ़ राजस्थान से दुर्गेश लक्षकार।